हेलो फ्रेंड्स, हेलो यूट्यूब, मैं हूँ फराह खान। आज मेरे घर आने वाले हैं मेहमान और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत इजी और बहुत अच्छी चीज़ हम बनाने जा रहे हैं जो कि है बर्गर, और जो कि डिफरेंट चीज़ है। बाहर से आने वाले मेहमान के लिए भी कुछ टेस्टी और कुछ स्पाइसी सा हो जाए। चलिए आज हम बनाते हैं बर्गर। कैसे बनाएंगे? उसके इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, हमें उबले हुए आलू चाहिए, प्याज, टमाटर, ककड़ी, नमक, मिर्ची, हल्दी और हरी मिर्च और हरा धनिया और बर्गर के बंस और टमाटो सॉस और मेयोनीज। बस इतनी ही सिंपल चीज़ों से बन जाएगा। और हमने ना पोहे को पहले से ही सेक के और उसे मिक्सी में पीस के रख लिया है एक तरफ, ताकि हमारी जो टिकिया रहेगी बर्गर के अंदर की वो थोड़ी क्रिस्पी रहे, इसलिए हमने उसे पहले से ही लाइट ब्राउन सा सेक के और उसे पीस कर उसका पाउडर बनाकर रख लिया है। ठीक है, तो वो चाहिएगी हमें और थोड़ा सा ऑयल। अब हमने देखिए जो हमने आलू बॉईल करके रखे थे उसे अच्छे से मिक्स कर लिए। हमने कम से कम 8 से 9 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल किए थे। उसके अंदर हम नमक, मिर्ची, लाल मिर्च डाल रहे हैं और हम इसके अंदर अब हल्दी डालेंगे हल्की सी, और अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरी मिर्च पीसी हुई। ये देखिए, मुझे थोड़ा सा तीखा और स्पाइसी पसंद है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा हरी मिर्च डाल रही हूँ पीसी हुई। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा नहीं पसंद है तो हल्की सी टेस्ट के लिए सिर्फ 1 टीस्पून डालिएगा इसके अंदर हरी मिर्च पीसी हुई, जो हमने मिक्सर के अंदर क्रश कर ली थी पहले से ही। अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको अब हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हम चम्मच से इसे मिक्स कर रहे हैं। ये हल्का हल्का इसे मिक्स करते जाइएगा चम्मच से। अब ये हमारा थोड़ा लगभग हल्का सा मिक्स हुआ है, अच्छे से ये मैश नहीं हुआ है, तो अब हम इसे चाहें तो हाथ से मैश कर सकते हैं सब मसाले, ताकि उसके अंदर अच्छे से मिल जाए, आलू हमें फीके फीके ना लगे। अब ये देखिए, हमारा सब मसाला मिक्स हो चुका था। अब हम इसे आलू मेशर से भी चाहें तो अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, ताकि जो हमारे आलू की डलियां हैं वो बिल्कुल बारीक सी फूट जाए, एक जैसा पेस्ट हो जाए। और हमने जो उसके अंदर अब हमने जो पोहों का पाउडर पीस के रखा था उससे हम आधा डाल देंगे और आधा हम उसके कोटिंग के लिए रखेंगे। अब ये देखिए, जो हमारा पेस्ट है इससे हम छोटी छोटी टिकियाएँ बना के रख लेंगे इस तरह से बॉल बनाकर, और इसे टिकिया बनाकर रख लेंगे। सब टिकियाएँ पहले हम एक साथ बनाकर रख लेंगे एक प्लेट के अंदर, ताकि हमें जब हम उसे सेलो फ्राई करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो, हम कॉन्सेंट्रेट कर सके सिर्फ उसे सेलो फ्राई करने में। ये देखिए, हमारी एक गोल गोल टिकिया हाथ से बनकर तैयार है बिल्कुल, और थोड़ी बड़ी साइज़ की बनानी है जो हमारे बर्गर के बिल्कुल बराबर साइज़ की हो। अब ये देखिए, हमने एक ऑयल एक पैन ले लिया है, फ्राई पैन, उसके अंदर हमने ऑयल ग्रीस कर दिया है, और ये जो हमारे पोहे का पाउडर बचा हुआ था ये हमने प्लेट के अंदर ले लिया है। अब ये देखिए, हम टिकियाओं के ऊपर कोटिंग कर रहे हैं पोहे का जो पाउडर है हमारा वो, और अब हम फ्राई पैन के अंदर अब हम टिकियाएँ रखेंगे। एक बार में 4 ही टिकिया सीखिए, ज़्यादा मत सीखिए, क्योंकि वो टिकिया का साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा है इस वजह से, और हमें उसको पलटाने और टर्न करने में इजी रहे। ये देखिए, ऐसी लाइट ब्राउन सी सेकना है। एक तरफ से तो हमारा सीख चुका है ये टिकिया है। अब हम देखिए, अब हमारी एक तरफ धीमी धीमी आँच पर सेलो फ्राई हो रही है टिकियाएँ, तो हम बर्गर बंस भी काट लेंगे। देखिए किस तरह से काटना है उसको, गोल गोल हमने पूरा गोल गोल काटा है, और एक तरफ से थोड़ा सा जुड़ा हुआ रहने दिया है ताकि सेकते टाइम अच्छा रहे हमें। सब इस तरह से बर्गर बंस हमने काट लिए हैं और हमारी टिकियाएँ भी तैयार हो चुकी हैं। अब हम पैन के अंदर ऑयल ग्रीस करेंगे, ताकि हम उसके अंदर बर्गर का बन जो है वो फ्राई कर सकें। ये हल्का सा उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ताकि हमारे बर्गर बन्स टेस्टी लगें। ये देखिए, हमने ऑयल ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर बटर भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको अगर बटर और ऑयल पसंद ना हो तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी जो घर का बना हुआ होता है वो भी। ये देखिए, हमने इसके अंदर ऑयल ग्रीस करके एक तरफ से तो सिक चुका है दोनों साइड से, अब अंदर की तरफ से जहाँ से हमने कटिंग की थी उस साइड से भी ऑयल लगा के थोड़ा सा हम ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारा बन गर्म हो जाए। ये देखिए, ये अंदर से भी गर्म हो चुका है ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए।
अब ये हमारा बन तैयार है फ्राई होके। अब हम इसके अंदर बर्गर को बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम इसके ऊपर टोमेटो सॉस लगाएंगे स्पैचुला की मदद से। ये हमने एक दोनों साइड पे लगाना है, जो ऊपर का बन का कवर है वो भी और नीचे का जो बेस है उसके ऊपर दोनों साइड पर टमाटो सॉस लगाना है। ये देखिए बराबर और बिल्कुल सब तरफ लगाना है, क्रीज पर, कॉर्नर पे, सब जगह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीच बीच में लगा के हम छोड़ दें। अब ये देखिए हम इसके ऊपर सबसे पहले रखेंगे हमने जो प्याज गोल गोल काट कर रखी थी उसे हम रखेंगे। फिर उसके ऊपर एक टिकिया रखेंगे। फिर अब उसके ऊपर हम जो ककड़ी हमने काट कर रखी थी वो रखेंगे। और उसके ऊपर अब हम टमाटर गोल कटा हुआ रख देंगे। अब हमारा सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट है मेयोनीज, जो कि ऊपर का टॉप का जो बन का टॉप है बर्गर के ऊपर का, उसके ऊपर हमने मेयोनीज लगा दिया है। और इसे हम सब चीज़ों के ऊपर रख देंगे और इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि वो सब चीज़ें एक साथ आएँ। और जिस तरह से चीज़ बर्गर से निकलता है, इस तरह से मेयोनीज निकलता हुआ दिखेगा, जो कि बहुत टेस्टी है। और अगर आपको चीज़ पसंद है तो आप मेयोनीज के साथ साथ इसमें स्प्रेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम आपके लिए टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ लाते रहेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।